नमस्कार साथियों, मैं हूं अनुज शर्मा और आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने इस चैनल एरोमा केमिस्ट्री क्लासेस में। दोस्तों, पहले तो आपको हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं। हार्दिक शुभकामनाएं इस बात के लिए कि आपने अपनी जंग में जीत को हासिल किया है। बिहार फेज टू की तैयारी करने में वही सक्षम हो सकता है जिसने बिहार एस टेस्ट का एग्जामिनेशन क्वालिफाई किया हुआ है। अब आपको एक चीज और बताऊंगा, झारखंड लैब असिस्टेंट का रिजल्ट भी आया है जिससे बहुत सारे लोग असंतुष्ट हुए हैं। और ये बात मैंने पहले आपको बताई थी कि अगर उनको वेरीफाई किया जाएगा तो जो लोग, पहले तो आपको ये भी बता देता हूं यहां पर कि ये फाइनल रिजल्ट नहीं है, यहां पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आया है और 16% लोग इसमें एक्स्ट्रा बुलाए गए हैं। ये 16% लोग में मान के चलो, ये 16% लोग अभी क्राइटेरिया से बाहर हो जाएंगे। जो लोग भी सेलेक्ट हुए हैं, मेहनत तो की है निश्चित है, और उनके क्वेश्चंस जो जानकारी मुझे मिली है वो लगभग 125 के ऊपर है, मतलब 130 के आसपास क्वेश्चन रहे होंगे, 27 भी, क्योंकि उनके पास कोई चेकिंग का क्राइटेरिया तो है नहीं। जैसा कि आप बता रहे हैं कि सर पार्शियलिटी हो गई जो आपने जवाब दिया है, ये ठीक है, गुस्सा आना जायज सी बात है कि सिलेक्शन नहीं होता है तो बहुत सारे निगेटिव विचार आते हैं, ये बट नेचुरल है, इसमें आप रोक नहीं लगा पाएंगे। और ये जो विचार है ये सिर्फ और सिर्फ आपको नीचे लाने के लिए और आगे ना कुछ करने के लिए जिम्मेदार बनेंगे। तो पहले तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि जो भी डिसीजन है अगर गलत है, आपको पता है कि मेरे 139 सही है, एक लोगों का कमेंट था सर मेरे 139 सही, मेरा नहीं हुआ, तो फिर क्यों नहीं आप चले जाते कोर्ट में, क्यों नहीं चले जाते आप आयोग से, सूचना अधिकार नियम के तहत मांग लीजिए डिटेल, कौन रोक रहा है आपको, और उससे आपको क्लियरिटी भी मिलेगी। और ये जब सूचना अधिकार नियम के तहत मांगेंगे तो इनकी मजबूरी होगी देना, ये इनकी जिम्मेदारी भी होगी देना, अन्यथा फिर आप जानते हैं उसके आगे की प्रक्रिया कितनी कठिन है, नहीं तो फिर कोर्ट के आगे हाथ जोड़ करके इन्हीं को खड़ा होना होगा, आपको नहीं होगा। तो इसलिए जो लोग को डाउट है मैदान में उतर सकते हैं, और अगर अपने ऊपर भरोसा नहीं है कि मैंने बोल तो दिया कि मेरे 130 सही होंगे, पता लगा 120 ही सही निकले, तो फिर दिक्कत हो जाएगी, तो फिर उस समय फिर नेगेटिव सोचना बेकार है। क्योंकि अगर आप दूसरों पर दोष मढ़ रहे हैं तो फिर अपनी ताकत भी दिखा दीजिए। तो इस बात का ध्यान दीजिए कि जो भी रिजल्ट है वो 16% से ज्यादा भी इसमें से भी छांट दिए जाएंगे, ये भी आप जानते हैं। और ये बात मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बोली थी कि प्रेफरेंस का ऑर्डर और नियम क्या होता है, वो मैंने आपको बताया था। अब आपने उस पर अपना अलग अलग रिव्यूज रखे कि सर ये आपको जानकारी नहीं है, मुझे जानकारी नहीं है, आपको पता नहीं, अभी यहां से लिया जाएगा, मतलब सब गणित आपने लगाए, लेकिन गणित वही साम काम आया जो आपको जानकारी दी गई थी। अब आपको एक चीज बता देता हूं कि आप नेगेटिव सोचना बंद करें, पॉजिटिव सोचें, और अपने ऊपर अगर बहुत अच्छा भरोसा है, अपने ऊपर बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस है, तो फिर आप चैलेंज एक बार कर सकते हैं, मैं सहयोग कर दूंगा आपका, कैसी बात करते हैं। लेकिन बिना चैलेंज के, बिना सबूत के किसी के ऊपर उंगली उठा देना ये भी बहुत अच्छी बात नहीं। एक लोगों ने कहा कि सर रिश्वत दे दी है, तो क्या आपने देते हुए देखा है, क्या आप उस समय शामिल थे, क्या आपने भी ऐसा किया था, ये सब बातें सामने आती हैं। ये इन सब बातों में सिर्फ आप नेगेटिविटी अपनी रिप्रेजेंट करा रहे हैं अपना। जैसे क्या होता है कि मैं आपको एक चीज बहुत स्पष्ट बता देता हूं, हारने वाला हमेशा दूसरे वाले जीतने वाले की कमियां निकालता है, ये निश्चित है, चाहे वो क्यों ना इलेक्शन हो, जो जीत गया बोले कि उन्होंने जीत लिया होगा, उन्होंने ये कर लिया होगा, उन्होंने डीएम कब जिम कर लिया होगा, उन्होंने एसडीएम कब जिम कर लिया होगा, वैसे ही एग्जाम में होता है उन्होंने चीटिंग कर ली होगी, ने रिश्वत दे दी होगी, ने क्वेश्चन पेपर ले लिया होगा, ने ये कर लिया होगा, ना वो कर लिया होगा, ये सब बातें लोग सोचते रहते हैं। क्योंकि मैं सब इन परिस्थितियों से गुजरा हूं और असलियत बाद में सब पता लगती कि बोले यार ऐसा तो कुछ होता ही नहीं था, जितना सोचते हो उतना होता नहीं गुरु। इसलिए
नेगेटिव नहीं पॉजिटिव सोचिए, जीवन बन जाएगा। और जिन लोगों का सिलेक्शन नहीं हुआ है घबराइए बिल्कुल नहीं, हो सकता है आप लैब असिस्टेंट बनने के लिए ना बनाए हो इसीलिए आपका सिलेक्शन ना हुआ, आपको बनाया हो लेक्चरर बनने के लिए, बनाया हो प्रोफेसर बनने के लिए, तो फिर ये लैब असिस्टेंट में सिलेक्शन ना होने पर यार क्यों परेशान हो रहे हो? बोले यार मेरा लैब असिस्टेंट में नहीं हुआ, लेक्चरर क्या बन पाऊंगा? अरे भाई तुम लैब असिस्टेंट एमएससी करे हो यार, लैब असिस्टेंट के लिए बने हो, थोड़ा और मेहनत करोगे लेक्चरर बन जाओगे, प्रोफेसर बन जाओगे, नेट क्वालिफाई कर लो। और वास्तव में अगर आप लैब असिस्टेंट लायक ही हो तो फिर वाकई में सोचने वाली बात है कि एमएससी करने के बाद भी आप अगर उस दायरे में नहीं आ पा रहे तो फिर अपनी स्टडी पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। मैं हमेशा इसी बात का सहयोगी रहा हूं कि ब्लेम दूसरे पर नहीं लगाना है, अपनी पॉजिटिविटी को देखना है, अपनी हिम्मत को। एक बार हारेंगे, दो बार हारेंगे, कब तक हारेंगे? एक बार तो जीत होगी। मैं बिल्कुल एक बार में मैं भी सिलेक्टेड कैंडिडेट नहीं, ये बात बोलने में मुझे इसलिए शर्म नहीं लगती क्योंकि मैं भी आपकी कैटेगरी से ही आता हूं कि मैं भी इस बात में विश्वास नहीं करता हूं कि कहीं पर कुछ चलता होगा। तो जब दो एक साल होता रहा तो मेरे भी साथियों ने मुझसे यही कहा यार तुम्हारा इसलिए नहीं हो पाया तीन साल से भाई कि तुम कुछ व्यवस्था ही नहीं कर रहे हो। मैंने कहा साहब मैं तो नहीं करूंगा, अगर वाकई में ईमानदारी होगी तो सिलेक्शन होगा और नहीं तो सिलेक्शन नहीं होगा। जैसे पढ़ा रहा हूं कोचिंग ऐसे ही पढ़ाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है, खुश हूं मैं इसी। लेकिन अल्टीमेटली सिलेक्शन हुआ, 100% फेयर सिलेक्शन हुए, मेरा नहीं, मेरे 5 साथी ऐसे उंगलियों पे हैं जो गए इंटरव्यू दिया और चले आए, एक चाय भी केवल स्टेशन पे पी, बस वही एक जिम मान के चलिए, बाकी कुछ नहीं लगा। तो ये सब बातें फितूर निकाली क्योंकि लोग मुझसे भी पहले यही कहते थे जो आपने सुना है कि यहां इतना करप्शन है, यहां वो है, यहां ये सब होता है। जब सफलता नहीं मिलती है तो फिर इरिटेशन तो होता ही, ये निश्चित है। लेकिन जो लोग असफल हैं मैं उनको निश्चित ये बताने की कोशिश करूंगा कि वो लोग लैब असिस्टेंट के लायक नहीं, वो किसी अच्छी पदवी के लायक है। हो सकता है ईश्वर ने तुम्हें अच्छी पद के लिए रोक रखा, इसीलिए तो तुम लैब असिस्टेंट नहीं हुए। तो यार इतना गलत क्यों सोच रहे हो भाई, नेगेटिव क्यों सोच रहे हो? सोच पॉजिटिव होनी चाहिए। तो झारखंड वालों यही सोच लेक्चरर में रखिए। सिलेक्शन बिहार से बहुत हुए हैं, सिलेक्शन स्टेट बिहार से बहुत हुए हैं, झारखंड लैब असिस्टेंट में भी 4 कैंडिडेट हुए हैं मेरे। तो यहां मैं बता दूं झारखंड में मेरे 20 हो गए, नहीं बता रहा हूं ना, जो हुए हैं वो बता रहा हूं आप। तो जो लोग हुए हैं वो भी 16% अधिक में हुए हैं, 16% डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद उनमें से कम कर दिए जाएंगे सीटों के अकॉर्डिंग। तो ये बात ध्यान दे लो, अभी फाइनल किसी का नहीं हो गया है। तो इसलिए आप सोचना बंद कर दो कि बाहर वालों का नहीं हुआ, मेरा नहीं हुआ, ये सब चीजें। आप फोकस करिए फिर अपनी एक बार तैयारी पर। और ये आपने जानते हो कि सफलता जितनी मुश्किल से मिलती है आनंद उतना ही अच्छा होता है। ये बातें हो सकता है आपको एक मिनट के लिए लगता हो कि सर प्रवचन देना बहुत आसान है, तो मैं इन सब परिस्थितियों से गुजरा हुआ हूं, प्रवचन नहीं दे रहा हूं, सही सलाह दे रहा हूं मान लो। और ज्यादा नेगेटिव सोचोगे तो नेगेटिविटी में चले जाओगे, वापसी ले ली तुमने कहीं धोखे से उसी नेगेटिविटी में, तो ये भी लिख लेना जिंदगी बेकार हो जाएगी। इसलिए इस बात का विशेष ध्यान दो कि नेगेटिविटी जिंदगी के लिए वो जहर है जो आपके शरीर को बर्बाद कर देगी, आपके दिमाग में वो घुन लगा देगी, दीमक लगा देगी, जो आप कलम से फावड़े पर पहुंच जाओगे पता नहीं चलेगा। इसीलिए आज ये स्थिति हो चुकी है कि लोगों ने आपके अंदर इतनी नेगेटिविटी भर दी है कि पहले MBA वाला कंपनी चलाता था, आज MBA चाय वाला बोला जाता है, आज लिख रहा है बच्चा पढ़ने के बाद 12th पास चाय वाला, आज बच्चा लिख रहा है BTech चाय वाला, BTech समोसे वाला, ये मैंने देखा है लिखा हुआ। तो ये क्या है? ये सिर्फ आपकी सोच में नेगेटिविटी डालने वाली बात है।
कि इतना पढ़ने वाले को कंपनी चलाने चाहिए, इंजीनियर बीटेक करने वाले को एक फैक्ट्री का अच्छा इंजीनियर होना चाहिए। ये सब परिस्थितियां इंसान को मजबूर कर देती कि इतना मेहनत करने के बाद आपको ये सब काम करने पड़े, आगे नाम के आगे आपको ऐसा लगाना पड़े जो शायद शोभा नहीं देता। तो ऐसी जिंदगी अपने अंदर न समाने दीजिए, अपने अंदर पॉजिटिविटी का एक जज्बा बनाए रखिए। हार कई बार होगी कोई बात नहीं, लेकिन जिस दिन जीत होगी उस दिन दुनिया को जरूर बताना कि लैब असिस्टेंट मेरा इसलिए नहीं निकला था कि मैं लेक्चरर बनने वाला था। तो झारखंड के सभी साथियों को अनुसर का एक बार हार्दिक शुभकामनाएं, और जो लोग सेलेक्ट नहीं हुए हैं उनके लिए भी बहुत बहुत ईश्वर से कामनाएं कि आगे वो लेक्चरर में, प्रोफेसर में, जो एग्जाम आने वाले हैं उनमें सफल हो, यही मैं उम्मीद करूंगा। छोटी चीज यार तुम्हारे लिए है नहीं तो उसके बारे में फिर सोचना। तो जो सेलेक्ट हुए हैं वो खुश रहे, ठीक है, बहुत अच्छे पद पे भी आप नहीं हुए, लेकिन जो नहीं हुए तो वो परेशान ना हो, क्योंकि आपको एक ऊंचा पद आपका इंतजार कर रहा है। इंतजार करिए लेक्चरर ग्रेड के एग्जामिनेशन के रिजल्ट का, और अगर एक बार को उसमें भी नहीं हुआ तो परेशान फिर भी मत होना, जंग जीतना तुम्ही को है, जंग तुम ही जीतोगे, मेरा वादा है तुमसे। बसरते चलते रहना, चलते रहना, चलते रहना, रुकने का नाम जिंदगी में कभी आने मत देना, सफल जरूर हो। तो ये सब कामनाएं ईश्वर से करूंगा, आप सफल हो ये भी कामना करूंगा। और दूसरी चीज आपको एक चीज और बताऊं कि जीवन में अगर पॉजिटिव एनर्जी रहेगी तो आप सफल जरूर होंगे, देर से होंगे ये अलग बात है, लेकिन सफल जरूर होंगे।